अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम। विग्गी रोहित को अपनी पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन रोहित पार्टी में आने से इनकार कर देता है, इस डर से कि कहीं शिवानी के वहां होने से पुरानी यादें दोबारा न घेर लें। गायत्री रोहित से कहती है कि दो इंसान एक दूसरे से बराबरी का प्यार नहीं कर सकते, एक कम करता है और दूसरा हमेशा ज्यादा, और शायद ऐसा है भी। यहां शिवानी गिरीश से कहती है कि रोहित के सफल होने पर मुझे बहुत खुशी है, मगर मैं अपने और रोहित के बीच गुजरे उन सुखी लम्हों को भुला देना चाहती हूं, क्योंकि याद आने पर कभी कभी बीता हुआ सुख भी बहुत तकलीफ पहुंचाता है। हाय, शिवानी, ये पढ़ा तुमने? क्या? ये पढ़ो। तुम ही पढ़कर सुनाना, like you always do। ठीक है। फिल्म डायरेक्टर रोहित कुमार बैग्स द नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट डायरेक्टर। थैंक्स। रोहित तो होना था ही, उसके टैलेंट में मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ था, और आज अखबार में उसके बारे में पढ़कर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। कितना खुश होगा आज रोहित, और खासकर गायत्री। पति जब सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है ना, तो पत्नी को बहुत खुश नसीब है। गायत्री, सीमा, हमारे धंधे में अवार्ड्स नहीं होते, और अगर होते ना तो मैं उसे जीतता, तुम्हें गर्व महसूस करवाता और तुम्हें खुश नसीब बनाता। मैंने कब कहा कि मेरा नसीब खराब है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि गायत्री बहुत खुश नसीब है। सब समझता हूं मैं सीमा, तुम इस समय क्या महसूस कर रही हो, क्या सोच रही हो और क्या कहना चाहती हो, मगर एक चीज होती है सीमा, और उसे कहते हैं लेख। उस पर विश्वास करना शुरू करता हूं। देखिए, मैं रोहित को एक भाई की तरह प्यार करती हूँ। और अविनाश को? बेशक, उसे भी मैं बहुत चाहती हूँ। और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि अविनाश हमारा दामाद है, हमारी शिवानी का पति, उसका कोई मुकाबला नहीं रोहित के साथ। लेकिन रोहित के बारे में सोचकर खुशी होती है, क्योंकि हम उसे तब से जानते हैं जब वो कुछ नहीं था। उसकी आशाएं, उसकी उमंगें, उसकी बातें, ये सब याद करके बहुत खुशी होती है। सैमसन, मेरा गीजर ऑन कर देना। जी साहब। शिवानी, मेरा नाश्ता लगा देना। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी सफर के हम। क्या बात है, आज अचानक लोगों को बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। अच्छी बात है ना गायत्री। और उनकी अक्कड़? देखो गायत्री, इस छोटी सी दुनिया में इतने कम समय में ज्यादा वक्त लोग नफरत और गुस्से में गुजारते हैं, लेकिन अंत में तो उन्हें अपना अहंकार छोड़कर एक दूसरे से मिलना ही पड़ता है। उसका कोई उपाय नहीं है गायत्री।
कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोगों को लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है, और वो जरूरत तो अपने अहंकार से बढ़कर ही होती है। आई आई, सैमसन का बच्चा चाबी भी नहीं लेके जाएगा। रोज तो आप मिलते हो, मुझे तो इसे मिलने जमाना हो गया है। कितनी पतली हो गई है शिवानी। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी तुमसे यही कहूँ तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं नहीं कहूँ। अरे काम बना है, बेकार नहीं बैठा है, हॉस्पिटल गया। बेकार तो हम हैं, तो सुबह शाम आपकी ड्यूटी करते हैं। अच्छा आजकल हियर ऑन अ सी फूड डाइट, वी सी फूड एंड वी ईट, हमें देखा ही खा लो। पर क्या क्या मंदिर गया। मंदिर? वो कभी नहीं जा सकता, बड़े भैया और भाभी जो उसका मंदिर। ना बाबा ना, मैं तो मुझे ही गाने सुना दे रहा हूँ। बस बात है विक्की, वरना तुम मुझे और अविनाश को ना बुलाते। नहीं शिवानी, सच कुछ नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं विक्की, कोई बात नहीं, ठीक है। बातें प्यार, नफरत और खुशबू पता चल ही जाती है। मुझे भी पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। मैंने तो कहा इनसे। ओह, तुमने चाय पी ली, चलो। अरे विक्की, इतना भी क्या है, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बस आराम से चाय पीने दो। साहब,
तुम्हारी यही एक बात मुझे अच्छी नहीं, जहां मैं बोलना शुरू करता हूँ तुम। अरे तुम क्या, तुम कितने सपने देखते हो रोहित। दिन में खुली आंखों से दो सुने हुए सपने देखते हो तो रात की नींद कितनी अच्छी होती। जानते हो रोहित, मुझे तुम्हारा सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ शामिल होती हूँ शिवानी, बहुत दिनों से मैंने ये सपना देखा। जिस दिन मुझे अवार्ड मिलेगा, जिस दिन मुझे अवार्ड मिलेगा उस दिन वहां बहुत सारे लोग होंगे, प्रेस, फोटोग्राफर्स, सब लोग मुझे मिलने के लिए बेचैन होंगे, मुझे हाथ मिलाने के लिए तड़पते होंगे, मगर मेरा हाथ तो तुम्हारी हाथ में होगा क्यों, जैसे हम टीवी में देखते हैं ऐसे। फिर हम ऑडिटोरियम में जाएंगे, तुम सफेद रंग की साड़ी पहनना उसको, बालों में गजरा, माथे पे एक हल्की सी छोटी सी बिंदी और कानों में लंबे वाले झुमके। शिवानी तुम सबसे सुंदर दिखना उस दिन। फिर जब मुझे ट्रॉफी मिलेगी तो मैं स्टेज पर जाऊंगा और कहूंगा जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने हर कदम पर मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, जिसके बिना मेरे पांव बढ़ ही नहीं पाते। वो है मेरी बीवी शिवानी। मगर अब लगता है पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के पंजे, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के।
Now, ladies and gentlemen, we finally declare the awards for excellence to make the excellence. For the Best Director of the Year award, ladies and gentlemen, the nominees are Mr. Inder Malhotra for Karam, Mr. Sumitra De for Waqt, and Mr. Rohit Kumar for Yaadein. I now request our well-known film director, Mr. Satish Malik, to come on stage and announce the winner. The winner is Mr. Rohit Kumar for Yaadein. वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं रुखवाओं का जिधर का है उधर के हम ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है जिसने हर कदम पर मुझे हिम्मत दी हौसला दिया जिसके बिना मेरे पांव बढ़ नहीं पाते वो है मेरी बीवी गायत्री
हर चादर में दुख का सुख का बाना है। रात भोर सुनहरी यही जमाना है, हर चादर में दुख का सुख का बाना है। आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना।